ससुराल और पत्नी के टॉर्चर से परेशान पति ने सुसाइड नोट लिखा और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाया। इसके बाद जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सुसाइड नोट में अपने ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार बताते हुए कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। पत्नी, सास और साले पर 15 लाख की डिमांड करने का भी आरोप लगाया। घटना झुंझुनू जिले के पिलानी थाना इलाके के डोलानिया गांव की है। जानकारी के अनुसार डोलानिया के राकेश कुमार ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया था। इस मामले में राकेश के परिजनों ने उसके ससुराल पक्ष पर प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया और धरने पर बैठ गए। पुलिस और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद परिजन पोस्टमार्टम की राजी हुए। मृतक के भाई दिनेश कुमार ने बताया कि राकेश की शादी को 10-11 वर्ष हो चुके थे। दोनों पति पत्नी का रिश्ता बेहद तनावपूर्ण था। लगभग 2 वर्ष पूर्व भी राकेश की पत्नी सुमन ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। राकेश की पत्नी और उसके पीहर पक्ष के लोग पिछले कुछ महीनों से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मृतक राकेश के भाई दिनेश ने राकेश की पत्नी सुमन सहित ससुराल पक्ष को राकेश की मौत के लिए जिम्मेदार बताया है। पुलिस ने मृतक द्वारा लिखे सुसाइड नोट को भी बरामद कर लिया है, जिसमें ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ना का आरोप लगाया गया है। पिलानी पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सुपुर्द कर मामले की जांच शुरू कर दी है।